दोस्तों हमने अब बहुत डिटेल से स्किल्स के बारे में बात कर ली हमने बहुत डिटेल से कम्युनिकेशन के बारे में बात कर ली हमने ब्रीफली बिजनेस डेवलपमेंट के एस्पेक्ट को भी डिस्कस कर लिया एंड ऑल थ्री आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेज अप एंड इंप्रूव योरसेल्फ सेल्फ एज एन इफेक्टिव फ्री लेंसर अब हमने बात करनी है बिहेवियर से रिलेटेड ये बिहेवियर आपका टोन सेट करता है इन ऑर्डर टू बिकम अ क्सेसफुल फ्रीलेंस अब बिहेवियर देखने में तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है लेकिन जब मैं आपको रियल टाइम एग्जाम्पल दूंगा आप कहेंगे वाकई इसका इम्पैक्ट और ज्यादा है और रिमेंबर वेन यू आर डूइंग फ्री लेंसिंग यूर एम्प्लॉयर में बी सेवन ओशंस अक्रॉस देर इज नो मीटिंग इन पर्सन देर इज नो वे यू कैन कन्विंस दैम द ओनली टू यूव गॉट एज अ वीडियो टूल कन्वर्सेशन यूर सेलेक्शन ऑफ वर्ड इन योर बेड यूर कन्साइज टू द पॉइंट मैसेजेस यर प्रोफाइल तो इन तमाम चीजों में बिहेवियर का क्या लेना देना जनाब सब सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट पार्ट है प्रोफेशनल बिहेवियर में दैट इज बी अकाउंटेबल बी अकाउंटेबल इन टू वेज ए बी अकाउंटेबल टू यूर सेल्फ एंड सेकेंड बी अकाउंटेबल टू यूर इंप्लॉयर फॉरवर्ड स्लैश क्लाइंट दो बातें क्यों जरूरी हैं दोस्तों काम कर हैं काहे है की अकाउंटेबिलिटी काहे का, का हिसाब किताब लेकिन जब आप काम करना शुरू करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब आप अपना सेल्फ अकाउंटेबिलिटी करते हैं किसी भी काम में वो आपकी प्रोफेशनल टोन सेट करता है यानी कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी मींस मैंने एक काम एक हफ्ते का तीन दिन में ख़त्म करना है उसके लिए आपको कुछ प्रोसीजर कुछ प्रोसेस कुछ माइल उनसे गुजरना पड़ेगा ना तभी आप अपना काम सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएंगे सो बी अकाउंटेबल टू यूर सेल्फ टू बिगिन विद कि जना मैंने जो काम कोई प्रोजेक्ट या जो काम करने जा रहा हूं मैं जिम्मेदार हूं उसके अच्छे और बुरे का कुछ गलत हुआ तो बर्डन ऑफ प्रूफ बर्डन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉल्स ऑन मी अगर मैं ठीक हूं तो काम भी ठीक हो जाएगा और दूसरा एस्पेक्ट ख्वान नजरात बी अकाउंटेबल फ्रॉम एम्प्लॉयर्स पॉइंट ऑफ व्यू देखिए एम्प्लॉयर जब आपको अपना बिजनेस और पैसा दो ही चीजें हैं ना एक बिजनेस दे रहा है और उसके बाद आपको पैसा दे रहा है उसके लिए बिजनेस वैल्यू ले रहा है और टाइम स्पेंड कर रहा है और पैसा स्पेंड कर रहा है आप पे हजरत इन दोनों बातों के बाद अगर आप एक्सपेक्ट करें कि एम्प्लॉयर आपसे सवाल आप ना पूछे आई थिंक यू आर लास्किंग लिटल टू मच यू आर अकाउंटेबल फॉर द वर्क यू प्रोड्यूस यू आर अकाउंटेबल फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस यू आर अकाउंटेबल फॉर द डेड लाइन यू मेस यू आर अकाउंटेबल फॉर द मनी यू हैव टेकन बट यू हैव नॉट प्रोवाइडेड यूर एम्प्लॉयर विद डिलेवरेबल्स ये बहुत जरूरी है दूसरी बात प्रोफेशनल बिहेवियर में आ, बी डिसिप्लिन क्लॉक पर रहिए अगर दिन में आठ घंटे काम करते हैं तो अपना डिसिप्लिन ऐसा होना चाहिए कि कोई सोशल नेटवर्किंग नहीं होगी कोई इंस्टेंट मैसेजिंग नहीं होगी ओनली इंपॉर्टेंट कॉल्स फ्रॉम यूर इमीडिएट फैमिली और बिजनेस रिलेटेड कॉल और अपने आप को काउंटेबल बनाइए जो पहली बात कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो मैंने इतने डिसिप्लिन से करना है कि मैंने एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में काम ख़त्म करना है अगर आप डिसिप्लिन ही नहीं हैं अगर आपको यही नहीं मालूम कि आप आ, कितनी एफर्ट्स एक काम पे लगाने के मुस्तक हैं या आपके अंदर कितनी एबिलिटी है आ, एक लॉन्गर स्ट्रेच करने की या आप बड़े बड़ेरियो के प्लेयर हैं या आप छोटे सिनेरियो के प्लेयर हैं यू विल नॉट बी एबल टू यू नो एक्सेल एज ए फ्रीलेंसर सो यू हैव टू बी डिसिप्लिन लेडीज एंड जेंटलमैन तीसरी बात मैनेज योर टाइम अगर एक काम को एक पर्टिकुलर माइल को दो घंटे लेते हैं तो यकीन जानिए उसको दो घंटे ही लेने चाहिए उस पर चार घंटे नहीं लगने चाहिए या उससे ज्यादा नहीं लगने चाहिए जब आप अपने टाइम को बांध देंगे अपने काम के साथ बाई यूजिंग स्टॉप वॉच बाई यूजिंग क्लॉक यकीन जानिए आपके अंदर पहली दो बातें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी अकाउंटेबिलिटी के लिए भी और डिसिप्लिन की भी सो so अपने टाइम को बांधिए चौथी बात जनाब हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड सारे पॉजिटिव होते हमारे यहां तो उस्ताद भी पॉजिटिव होता है हमारे यहां तो स्टूडेंट भी पॉजिटिव होता है उस्ताद कैसे कहते हैं उस्ताद कहते हैं कीप कॉइट स्टूडेंट का कहता है उस्ताद के बोलते बोलते एक्सक्यूज मी सर कैन आई हैव योर अटेंशन टोन देखिए जरा इन्हीं चीजों को अगर हम पॉजिटिविटी के साथ देख लें उस्ताद ने क्लास को चुप कराना है और सिर्फ वो ये बोल दें चिल्ड्रन कैन आई हैव योर अटेंशन प्लीज ये पॉजिटिव वर्ड है प्यार से कौन सी जंग नहीं जीती जाती प्यार से किसी के अटेंशन कैसे नहीं जीती जाती सेम गोज फॉर बिजनेस यू आर टोन मैटर्स अ लॉट प्लीज है पॉजिटिव एटीट्यूड अबाउट द वर्क यू आर डूइंग वेन यू आर पॉजिटिव योर रिस्पॉन्सेज तो एम्प्लॉयर को यह कंफर्टेबिलिटी मिलती है कि इस बंदे के साथ काम करना यह हर चीज पर ना नहीं कर रहा अगर एम्प्लॉयर आपको कहता है कि आई नीड दिस डन विद इन नेक्स्ट फाइव डेज एंड यू नो इट टेक्स फोर डेज टू गेट दिस जॉब डन बट स्टिल Since you have other projects in your pipeline and you tell your employer, ka, no, it will take it 10 days. This positive attitude, you have Employer satisfy, So, uh, uh, positive attitude is importance important not just for a digital workspace but also in your professional life. Part of my responsibility here is to make you a better person. Part of my responsibility is to increase your soft skills to the, to the point. कि जहां पे जब आप काम करने बैठे हैं एज फ्रीलैंसर तो आप इन शाह पाक के फजल करम से सिर्फ एक्सेल करें अपनी फील्ड में क्योंकि आपके अंदर वो स्किल सेट इंप्रूव हो चुका होगा आपकी बिजनेस डेवलपमेंट स्किल इंप्रूव हो चुकी होगी आपके अंदर प्रोफेशनल बिहेवियर इतना आ चुका होगा कि आप अपने कंपिटिशन से हार ही नहीं सकते पांचवी इंपॉर्टेंट बात सबसे इंपॉर्टेंट बात शायद पहली चार बातों का मजमुआ नो यूर वर्थ खुदी का कॉन्सेप्ट इलामा इकबाल ने किसी वजह से ये लिखा था कि मुसलमानों के अंदर वो कॉन्फिडेंस बेदार किया जाए जिसके वो वर्दी हैं जिस जो उनका कैलिबर है आप या खुद अपने आप को पहचान लीजिए या आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा रहनमा कोई ऐसा लीडर या इंस्ट्रक्टर आ जाए जो आपको ये बताए कि आप हैं कौन नो योर सेल्फ नो यूर वर्थ अगर आप बड़ी रेस के घोड़े हैं तो आपके लिए छोटा प्लेटफॉर्म मैटर नहीं करता अगर आप बड़े ग्राउंड के प्लेयर हैं तो आप गली मोहल्लों में नहीं खेल पाएंगे अपने आप को पहचानिए और फिर उसी तरीके से प्रजेंट कीजिए नो योर सेल्फ नो योर वर्थ बिकॉज वंस यू गेट टू नो यूर सेल्फ कि आप क्या वैल्यू दे सकते हैं अपने एम्प्लॉयर को आप क्या क्वालिटी वर्क प्रोड्यूस कर सकते हैं फॉर एम्प्लॉयर्स बिजनेस आप कितने एफिशिएंट है विद रिगार्ड्स टू टाइम मैनेजमेंट एंड गेटिंग वर्क डन विदिन एग्रीड अपॉन टाइम अरे यकीन जानिए आपके लिए सिर्फ कामयाबी और कामयाबी है तो अपने प्रोफेशनल बिहेवियर को इन्हेंस कीजिए वर्क ऑन दी स्किल्स